सुराख काम करने, सुराख के काम में आता है ये? हाँ, पीसीबी शीट होती है उसमें चलता है ये। अच्छा, पीसीबी क्या, इस कितने एमएम में है ये? ये है आपका 1.6 एमएम की ड्रिल है, आप दे सकते हो। इसका प्राइस बताएंगे आसपास? इसका प्राइस 10 रुपीज। ये 10 रुपीज का पड़ेगा। आप दोस्तों देख सकते हो बर कटर, अच्छा ये आप देख सकते हो बर कटर है। कितने एमएम का है ये? ये होगा 1 एमएम। 1 एमएम का, ठीक है। क्या प्राइस होती है इसकी? इसकी भी प्राइस 10 रुपीज रहने, 10 रुपीज से स्टार्ट होती है। ये साइड इन फेस कटर है हमारा, साइड इन होती है इस पे जी, टिप लगी होती है इस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये साइडिंग फेस कटर मिल जाता है आपको। सर ये इंसर्ट है ग्रूविंग की, ओके, ग्रूविंग के काम आती है। अच्छा, ये देखिए इस टाइप से देखने में, ये देखिए ये टर्निंग का टूल होल्डर है, ओके, DNMG का, ओके। ये इसकी की इसके साथ होती है, ओके, एलन की इसकी इसके साथ होती है। ये इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये भी सब मिल जाएंगे। और ये भी इंसर्ट है, ये एल्यूमिनियम पे चलती है। ये डायमंड वाली इंसर्ट होती है हमारा। अच्छा, डायमंड वाली इंसर्ट, डायमंड होता है इस पे लगा हुआ, ओके। ये डायमंड वाली इंसर्ट होती है, ओके। ये होती है हमारी बोरिंग बार, ओके, ये बोर करने के लिए। अच्छा, ये 50 mm की बोरिंग बार है। 50 mm की बोरिंग बार, बोरिंग बार, ओके, ठीक है। भी कीज के साथ होती है। अच्छा, इसकी कीज जो एलन की होती है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे हमारे, ओके। बस ये होता है माइक्रोन ड्रिल जी, माइक्रोन ड्रिल होता है, माइक्रोन ड्रिल जी, ओके। कितने एमएम का है ये? ये 1 mm का होगा, बोरिंग बार है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक्सप्लोर कराते कराते भाई को कितना पसीना आ रहा है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। पसीना बहुत हो रहा है, देख रहे हो आप कितने, मतलब पंखा बंद करवा के, बहुत है पंखा बंद करवा के, जिससे कि आपकी जो हम जो बोल रहे हैं आवाज जो है फ्लक्चुएट ना हो, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन प्रो। दोस्तों आज मैं आया हूँ शॉप नंबर 167 मीना बाजार जामा मस्जिद पोस्ट मार्केट दिल्ली, ओल्ड दिल्ली में पड़ती है शॉप। मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे कार्बाइड यानी कि टूल्स जो होते हैं ना, मिलिंग टूल्स, और बहुत सारे ऐसे जो इंसर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो मिलिंग टूल्स की जो जितनी भी वैरायटी है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेरी नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन कोशिश करूँ आपको सारी चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शॉप का डैशबोर्ड दिखाता हूँ, उसके बाद शॉप के ओनर से मिलवाता हूँ, उसके बाद में वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप लोग से छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आपका कोई कॉमेंट है, किसी तरह का सवाल है, तो नीचे चैट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, उसमें जाके कॉमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई भी टाइम से कर दूंगा। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अभी जो बोर्ड आया नहीं है, दरअसल अभी बोर्ड ऑर्डर के लिए दिया हुआ है। अभी यहाँ पे एक चिट लगा दी गई जिससे कि एड्रेस में दिक्कत ना हो। तो अभी आप देखो FT टूल के 167 मीना बाजार GST नंबर आप देख रहे हो। अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आओगे तो आपको ये यहाँ का कार्ड दिख जाता है, ठीक है। कार्ड में बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में लिखी हुई हैं, और उसके बाद में मेन्यू कार्ड है, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हैं, कार्बाइड इंसर्ट्स वगैरह, यहाँ पे ड्रिल वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं। शॉप का इंटीरियर आप देखो यहाँ पे, ये किस चीज़, ये क्या चीज़ है? ये सर कटर है, मिलिंग कटर है, बोरिंग मार है, होल्डर है, ओके ओके, हमारे इंसर्ट है, सीमेंट के पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं। अच्छा, और भी चीज़ें देखो इंटीरियर में बहुत सारे, अंदर में जो है प्लास्टिक केस के अंदर में सारी चीज़ें रखी हैं, टूल्स वगैरह रखी हुई हैं, और उसके बाद में अभी यहाँ देखो यहाँ पे भी जो है ग्लास के अंदर में रखी हुई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो, ये प्लास्टिक केस के अंदर में सारी चीज़ें, टूल्स वगैरह रखी हुई हैं, बहुत सी ज़्यादा क्वांटिटी बल्क में यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है ना, अब यहाँ पे शॉप के ओनर से मिलवाता हूँ, इससे जानकारी लेंगे इनके पास में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इनकी मुँह जबानी से पूछेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा भाई, अपना नाम बताएंगे क्या? जी, मेरा नाम है मोहम्मद रुमान जी। अच्छा, अपने पास में बताइए कि क्या क्या डील करते हो? हमारे पास टर्निंग के टूल होल्डर, बोरिंग बारे, यू ड्रिल्स, मिलिंग मशीन का सामान, सब कटर वगैरह, इंसर्ट, हर तरीके की इनके स्पेयर पार्ट्स, टूल होल्डर के, बोरिंग बार के स्पेयर पार्ट्स, सब चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं हमारे। क्या होता है अपने पास में, होलसेल में डील होती है? होलसेल में भी डील होती है, रिटेल का भी काम है, दोनों चीज़ों का। अच्छा, यहाँ का पूरा फिक्स एड्रेस बताओ। यहाँ का फिक्स एड्रेस है जामा मस्जिद मीना बाजार के 167 शॉप नंबर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप लोगों ने सुनी लिया है भैया की जुबानी, मुँह जुबानी उन्होंने बताई कि इनके पास में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फटाफट से अब जो शुरू करते हैं, दिखाते हैं सारी चीज़ें। चलिए दिखाइए। ये रही सर, ये इंसर्ट है ग्रूविंग की, ओके, ग्रूविंग के काम आती है। इसको खोलेंगे, ये पैक है, ओके ओके। अच्छा ठीक है, खुली हुई। अच्छा ये देखिए इस टाइप से देखने में, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये ग्रूविंग की इंसर्ट है, ग्रूव करती है ये, ओके ठीक है। इनके रेट बताइए मुझे। इसके रेट 300 रुपये। अच्छा, एक 300 रुपये की एक इंसर्ट।
एक पीस 300 रुपए का, एक पीस 300, ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में, ये एक पीस 300 रुपए का, नहीं 300 रुपीज़ का आपको मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में और देखते हैं, उसके बाद में ये टर्निंग का टूल होल्डर है, ओके, DNMG का, ओके, ये इसकी कीज के साथ होती है, ओके, एलन कीज की इसके साथ होती है, ये इसके स्पेयर पार्ट्स हैं, ये भी सब मिल जाएंगे। अच्छा, ये किस मान बता रहे हो आप, ये कटर है ना, ये टर्निंग टूल होल्डर है, ओके, टर्निंग टूल होल्डर, ओके ओके, ये होल्डर है जी, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि इम्पोर्टेड है ये इम्पोर्टेड है, ओके ओके, तो ये कितने रुपए का पड़ेगा, ये पड़ेगा 400 रुपए का, ये 400 रुपए का, 400 रुपीज का पड़ेगा, ठीक है, ओके। और भी देखते हैं आगे की तरफ, और ये भी इंसर्ट है, ये एल्युमिनियम पे चलती है, ये डायमंड वाली इंसर्ट होती है हमारा। अच्छा, ये डायमंड वाली इंसर्ट, डायमंड होता है इस पे लगा हुआ, ओके, ये डायमंड वाली इंसर्ट होती है, ओके। क्या प्राइस होता है इसका, इसका प्राइस ऐसे ही रहेगा 100 रुपीज। अच्छा, ये 100 रुपए का है, ओनली 100 रुपीज का आपको पड़ेगा, ठीक है। और ये बता रहे हो गोल्डन का, ओल्ड इंसर्ट है, इसमें न्यू भी मिल जाएगी, ओके ओके, ठीक है, ये ओल्ड है, न्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, ये होती है हमारी बोरिंग बार, ओके, ये बोर करने के लिए। अच्छा, ये 50 mm की बोरिंग बार है, 50 mm की बोरिंग बार, बोरिंग बार, ओके, ठीक है। इसकी कीज के साथ होती है। अच्छा, इसकी कीज जो एलन की होती है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब मिल जाएंगे हमारे, ओके, ठीक है। इसका प्राइस बताएंगे, ये 5000 रुपए की, 5000 की पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये न्यू है, ये न्यू है, बिल्कुल न्यू पीस मिलेगा आपको, 5000 का पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में और जानकारी लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास ये होता है माइक्रोन ड्रिल जी, माइक्रोन ड्रिल होता है, माइक्रोन ड्रिल जी, ओके। कितने एमएम का है ये, ये 1 mm का होगा, 1 mm का, पक्का 1 mm का है, ओके। देखो दोस्तों, ये जो है आपको मैं ड्रिल दिखा रहा हूँ, ये 1 mm का है, ये कितने रुपए का होने वाला है, ऑल साइज मिल जाएंगे आपको, सभी साइज 0.25 से लेके 7 mm तक सब मिल जाएंगे। अच्छा, क्या रेट होता है इसका, इसका रेट क्या नाम है, 10 रुपए से शुरू होता है, 10 रुपए से शुरू होता है, बढ़ता है फिर रेट, देखो जो दोस्तों बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। जो अभी जो दिखा रहे हैं ये 1 mm का ड्रिल है, ये आपको 10 रुपीज़ पर पीस पड़ेगा, और जैसे जैसे साइजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता जाएगा, ओके। चलिए ठीक है, और भी दिखाते हैं आगे, ये रहा इनकी क्लैंप वगैरह, अभी जो अभी मैंने होल्डर दिखाया आपको, बोरिंग बार दिखाई है, उसके क्लैंप है, स्पेयर पार्ट्स हैं, ओके जी। अच्छा ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो इस टाइप से ये, और ये किस काम में आते हैं बताएंगे थोड़ा सा, ये होल्डर पे बोरिंग बारों पे लगते हैं, ओके ओके, दिखाया ना आपको जी जी जी। अच्छा, ये इसका रेट बताएंगे, इसका रेट स्पेयर पार्ट्स ये सेट के हिसाब से होता है। अच्छा, सेट के हिसाब से, ओके, ये 150-200 का एक सेट पड़ता है स्पेयर पार्ट, ओके ओके। इसके बाद में ये भी पिन है, ये भी बोरिंग बार की पिन है, पिन शिम में लगती है, इसमें शिम में, ओके, इसमें लगती है ये। अच्छा अच्छा, इसमें कटर में लगेगी जी जी, बहुत ही बढ़िया। क्या रेट होता है इसका, इसका भी सर ऐसे ही रेट रहेगा सेट के हिसाब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये क्लैंप स्क्रू है, अभी जो क्लैंप दिखाया ये उसमें लगता है, ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं इधर सर, ये होता है हमारे पास यू ड्रिल, यू ड्रिल जी, ओके, ये देखिए यू ड्रिल होता है, हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेड है, हाँ ये इम्पोर्टेड है, ओके ठीक है। आप दोस्तों देख सकते हो ये इम्पोर्टेड है और ये यू ड्रिल है, ठीक है। और इसका कोई एमएम भी होता है, ये सब साइज होते हैं, ओके, कई तरीके के, 2D आता है, 3D आता है, साइज में, लेंथ में, लंबा आता है, ओके, अलग अलग। क्या रेट होता है इसका, ये पड़ेगा आपको 80 रुपये mm पर mm। अच्छा अच्छा, 80 रुपये पर mm आपको पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, ये रही बोरिंग बार, ओके, बोरिंग बार जी, ओके, इम्पोर्टेड है, GMT की बोरिंग बार है, इम्पोर्टेड, ये हमारा अपना ब्रांड है FT। अच्छा, खुद का ही है, FT2, ओके ओके, खुद की ब्रांडिंग है, आप देख रहे हो, हमारा खुद का ब्रांड है FT, बहुत ही बढ़िया। प्राइस होता है इसका, ये 32 की बोरिंग मार है, 32 mm की, okay. ये पड़ेगी 1200 रुपए की, 1200, ठीक है, 1200 रुपीज का, ओके। उसके बाद में ये एमएम कितना बता रहे थे आप इसका, कितने, 32 mm की है, 32 mm की, ठीक है, 32 mm की आती है। और उसके बाद में, उसके बाद में सारी CCMT की बोरिंग मारे मिल जाएंगे, इंसर्ट की सब साइज मिल जाएंगे, ओके, 8 से लेके 50 mm तक सब साइज मिल जाएंगे बोरिंग बार में, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये बोरिंग बार है, बोरिंग बार है ये, बोरिंग बार है, ठीक है। देखो दोस्तों, एक्सप्लोर कराते कराते भाई को कितना पसीना आ रहा है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अच्छा ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये बोरिंग बार है, कितने कितने एमएम की है, ये क्या नाम है, 8 की है, 10 की है, 12 की है, 16 की है, सब मिल जाएंगी। अच्छा, इसका रेट बताएंगे आसपास, इसका रेट सबका अलग अलग रहने वाला है, थोड़ा बहुत आसपास
इसका 8 का जैसे रहेगा 200, 10 का 250, 12 का 300, 16 का 400, 20 का 600, ठीक है, 25 का 900, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इस तरीके की भी होल्डर होते हैं हमारे पास, ई चेन क्लैंप में इसे बोलते हैं, ई चेन क्लैंप। ओके, ये इसकी क्लैंपिंग अलग होती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेड है? हाँ इम्पोर्टेड है, ये भी हमारा एफटी का अपना। अच्छा अच्छा, ठीक है दोस्तों। ये कितने रुपए का होने वाला है? ये 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपीज़ का पड़ेगा। और देखते हैं और क्या है अपने पास। और अपने पास ये है डायमंड इंसर्ट, BNMG की डायमंड इंसर्ट है ये। अच्छा, ये लोहे पे चलती है। पसीना पोछो भाई, पसीना बहुत हो रहा है, देख रहे हो आप कितने, मतलब पंखा बंद करवा के, बहुत है पंखा बंद करवा के, जिससे कि आपके जो हम जो बोल रहे हैं आवाज़ जो है फ्लक्चुएट ना हो, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो ये इंसर्ट है, इंसर्ट है, ओल्ड इंसर्ट है ये भी, ओल्ड इंसर्ट की, ये लोहे पे चलती है। ओके ओके, ठीक है, आप देख सकते हो इस टाइप की इंसर्ट, लोहे को चीड़ देगी बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही बढ़िया पावर है इसके अंदर इसका, मतलब। अच्छा, क्या रेट होता है इसका? हार्ड ग्रेड ये है। अच्छा अच्छा, हार्ड का रेट पड़ेगा आपको 200। अभी ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, न्यू लोग है तो उसका अलग रेट है। ठीक है ठीक है, आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, आप देख सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ और भी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी अलग क्लैंपिंग में, कई तरीके की क्लैंपिंग में हमारे पास होल्डर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, सब ठीक होते हैं, ठीक है, खुद की ब्रांडिंग है, खुद की ब्रांडिंग, ठीक है। और उसके बाद में और चलते हैं, तो दोस्तों अभी जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी मैंने शीशा खुलवा दिया यहाँ पे, मैंने शीशा खुलवा करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से टूल्स हैं, ठीक है। चलिए दिखाइए, बताइए यहाँ पे कौन कौन से टूल है सर। ये राइट, ये वही टूल हैं जो अभी दिखाए ना आपको मैंने। अच्छा, ये कटर है, ये सब टर्निंग के काम में आते हैं, सब टर्निंग के टूल हैं, अलग अलग इंसर्ट के, हर तरीके की वैरायटी मिल जाएगी हमारे पास, सबका स्टॉक होगा भरपूर, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है जी। ये शीमेन की, इनकी शीमेन की पैकिंग बोलते हैं, इसके ऊपर इंसर्ट लगती है हमारी, ठीक है। हर तरीके की बोरिंग बार मिल जाएगी, हर तरीके का टूल होल्डर मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी। तो इनके रेट हमने वो बता दिए, शेयर कर दिए थे, प्राइस लिस्ट दे रही है आपकी, प्राइस लिस्ट दिखा दीजिए एक बार आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्राइस लिस्ट है, पूरी बुक है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा पलटेंगे, पलटे जाएंगे जी, ठीक है, सब में डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा ना, 40% 50% डिस्काउंट दे देंगे। ओके ओके, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, और भी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, ये तो आप इसे बंद ही कर दीजिए और बाकी चीजें और देखते हैं। माइक्रो ड्रिल और दिखा दे, चाहे वो पुराने ना डब्बे यहाँ रख दे लग। ये क्या चीज होने वाली है? ये मिलिंग मशीन का कटर है, मिलिंग मशीन का कटर होने वाला है ये। अच्छा ठीक है, तो इसका कोई साइजेस वगैरह? इसके भी साइज मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये ओल्ड में है? ये ओल्ड नहीं, ये न्यू है। अच्छा, ये रखे रखे सर थोड़ा गंदा सा हो रहा है। जी जी, रखा हुआ है ना असल में फ्रिज में, तो थोड़ी मिट्टी लगी। ठीक है, तो इसका आप बताएंगे क्या रेट होता है? इसका रेट भी अलग अलग रहेगा, वो भी प्राइस लिस्ट में, हमारी प्राइस लिस्ट हम आपको दे देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको चाहिए तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, डिस्प्ले पे नंबर चला देंगे, आप भैया से कॉन्टैक्ट करके अपना माल ऑर्डर कर सकते हो, आप ऑफलाइन काउंटर पे आके ले सकते हो, सारी सुविधा भी मिल जाती है आपको, इसका स्टॉक मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। और दिखाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा वही माइक्रोन ड्रिल आ गया, माइक्रोन ड्रिल, सारे साइज मिल जाएंगे आपको, सारे टू जेड सब साइज मिल जाएगा। अच्छा, सुराख काम करने, सुराख के काम में आता है ये? हाँ, पीसीबी शीट होती है उसमें चलता है ये। अच्छा, पीसीबी शीट में पीसीबी ड्रिल भी बोलते हैं, ये ड्रिल बोलते हैं ना इसको, पीसीबी ड्रिल भी बोलते हैं। अच्छा, उसमें चलता है, कार्बाइड का होता है आगे से, पीछे से लोही की डंडी। अच्छा, क्या इस कितने एमएम है ये? ये है आपका 1.6 एमएम की ड्रिल है, आप देख सकते हो। इसका प्राइस बताएंगे आसपास? इसका प्राइस 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़ का पड़ेगा, आप दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रख दिया, कटर भी होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, बर कटर बोलते हैं, बर कटर। अच्छा, ये आप देख सकते हो बर कटर है, कितने एमएम का है ये? ये होगा 1 एमएम, 1 एमएम का, ठीक है। क्या प्राइस होती है इसकी? इसकी भी प्राइस 10 रुपीज़ रहने, 10 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी रखी हुई है, ये कुछ अलग है, सेम ही है, सेम ही है सब, सेम ही है। अच्छा, ये और ये इधर आते हैं, ये वही हमारा हर साइज का मिल जाएगा। अच्छा, हर साइज के मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइजेस के और कौन कौन सी वैरायटी के यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आपको मुझे दिखाना जो है मेरा काम होता है कि मैं आपको दिखाऊँ कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा देख पा रहे हो सारी चीज़ें यहाँ तक हमने मैं आपको दिखाई दी हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसका रेट बताएंगे? इसका रेट 10 रुपीज़। अच्छा, 10 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? इसके बाद ये साइड इन फेस कटर है हमारा, साइड इन फेस होती है इस पे जी,
टिप लगी होती है इस पे। अच्छा 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 ठीक है, तो आप देख सकते हो ये साइडिंग फेस कटर मिल जाता है आपको। क्या प्राइस होता है इसका? इसका प्राइस रहने वाला है 1000 रुपये। 1000 रुपये? ये 1000 रुपये का पड़ेगा सिर्फ, 1000 का पड़ेगा। नेगोशिएट कर देंगे, थोड़ा कम भी कर देंगे, गुंजाइश कर देंगे अगर आप लेने की उम्मीद में आओगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया है, और क्या चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे? तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पे एक और टूल आ गया है, यहाँ पे टर्निंग टूल होल्डर। ये हर तरीके की क्लैंपिंग के टूल होते हैं हमारे पास। अच्छा, टर्निंग टूल होल्डर, बोरिंग बार्स, यू ड्रिल्स, मिलिंग कटर, फेस मिलिंग कटर, टिप कटर जो आपको अभी दिखाया है, हर तरीके की ओल्ड या न्यू इंसर्ट सब मिल जाएंगे आपके पास। और ये हमारे पास स्क्रू होता है, हर साइज का स्क्रू मिल जाएगा। ये स्क्रू है ना? जी, ये स्क्रू मिल जाएंगे, हर साइज के स्क्रू मिल जाएंगे हमारे पास। ठीक है ठीक है, तो इनका आसपास रेट बताएंगे? ये 400 से 600 की भी रेंज में और ऊपर भी जाती है, जैसे और क्या नाम है, कुछ स्पेशल टूल हो जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये कौन कौन सी बताएंगे? हमारे माइक्रोन ड्रिल है, माइक्रोन ड्रिल, माइक्रोन ड्रिल। ओके, पीसीबी शीट के काम करते हैं। पीसीबी शीट को क्या सुराख करने के काम है? करने के काम। ओके ओके, क्या इनका रेट वेट बताएंगे? इनका रेट 10 रुपीज रहने वाला है। 10 रुपीज से एक पीस आपको 10 रुपए से मिलेगा। ठीक है, 50 पीस का बॉक्स आता है। अच्छा, ये 50 पीस का बॉक्स है। ये कितने का पड़ेगा? 500 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेल्फ में आप देख रहे हो कि सारे जो है टूल्स वगैरह सब रखे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और इस वीडियो को चाहता हूँ यहाँ पे एंड करना, इससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो शॉप के ओनर हैं इनसे ज़रा कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए भाई साहब, बताइए। सर, हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती हम अरेंज करके आपको दे देंगे, जैसे स्टेट ड्रिल, टेप वगैरह सब कुछ आपके पास मिल जाएगा यहाँ पे हमारे पास। टब वगैरह, ड्रिल, कुछ भी सब चाइस की। और हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने ये बताइए कि जैसे कि कोई बंदा अगर जो किसी और स्टेट में, बिहार बैठा है, उड़ीसा बैठा है, कर्नाटक बैठा है, तो उसके लिए क्या कुरियर फैसिलिटी कैसी है अपने पास? उसको कुरियर करा देंगे हम। कुरियर चार्ज करेंगे? कुरियर चार्ज लेंगे। कोरियर चार्ज उनको अलग से देना होगा? जी, कोरियर चार्ज अलग से देना होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कोरियर चार्ज आपको ऑल ओवर इंडिया, आपको कहीं से भी आपको माल यहाँ पे मिल जाएगा, आप बस कॉल करना है। कॉल करना है बस। ठीक है, अपना नंबर बताइए, नंबर बताइए जिससे बात हो सके। 9873463415 ये हमारा नंबर है। नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा एफटी टूल, ये देखिए पूरे इंडिया में ब्रांड है सबसे बढ़िया एफटी टूल। ओके, ठीक है, भी नाम ले दो, ऑल ओवर इंडिया एफटी टूल, और सब जानते हैं। सभी चीजें वेबसाइट है, नीचे इनकी वेबसाइट है दोस्तों, आप देख सकते हो, वेबसाइट पे जाइए, इनके वेबसाइट पे कैटलॉग में जाके अपना सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग ने देख ही लिया है, बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ चैनल पे, जो है सारी चीज़ें आप लोग के लेकर के आता हूँ वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज किसी वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नए एनर्जी के साथ। ओके दोस्तों, बाय।